नमस्कार। नई आशाएं, नई उमंगों की शुभकामनाएं, सुप्रभात। हर सुबह है ईश्वर और कुदरत की एक सुंदर सौगात जो अपने हर दिन की सुबह को आशाओं से भरकर, उमंगों से भरकर कदम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सुख और सफलता उनके कदम चूमते हैं और ऐसी ही हमारी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप अपने आप को सशक्त बनाएं, आशाओं से भरें। लेकिन मानव गलती कहाँ करता है जब वो आशाएं जो है औरों से रखने रखता है। और ज़्यादातर जो लोगों से आशाएं रखते हैं वो दुख ही पाते हैं। हमें अपनी आशाएं ईश्वर से रखनी है। जो अपनी आशाओं को ईश्वर से बांधता है वो बहुत सुख पाता है और ऐसा करते ही आपके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान आ जाती है। और यही कहता है आपसे आज का सुवाक्य कि जब आप अपनी आशाएं भगवान से रखते हैं तो किसी भी व्यक्ति से आपको निराशा नहीं मिलती है। आइए सुनते हैं आज का सुवाक्य। नमस्कार। अपनी सारी आशाएं ईश्वर पर छोड़ दे तो व्यक्ति से निराशा नहीं होगी। हमारे जीवन के अंदर हम बहुत सी आशाएं रखते हैं। आशा रखना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन हमारी मनचाही आशा व इच्छा पूर्ण ना होना और उसके बाद हम जब निराश हो जाते हैं तो वो वास्तव में सही निर्णय नहीं है। इसीलिए प्रयत्न जरूर करें, लेकिन हमारे आशा के अनुरूप अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो सब आशाएं भगवान पर छोड़ दें और निराश ना हो, हताश ना हो। संबंधों में हम छोटी छोटी सी भी आशाएं रखते हैं, जैसे कि वो व्यक्ति मेरी बात नहीं सुनता या मुझे समझा नहीं जाता, मुझे सम्मान नहीं मिलता। ये आशाएं हमारे जीवन में बनी रहती हैं, लेकिन जब ये पूर्ण नहीं होती हैं तो हमें जीवन में निराशा मिलती है। तो अगर हम सर्वशक्तिवान परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लेते हैं और हताश नहीं होते हैं और अपनी बात मन की ईश्वर से कह देते हैं तो हम हर प्रकार की परिस्थितियों में सामंजस्य बनाकर, तालमेल बनाकर जीवन में प्रसन्न रहते हैं। तो आइए आज से हम निराश ना हो, लेकिन अपनी आशाएं परमात्मा पर छोड़ दें। दोस्तों, एक बहुत अच्छा गीत है कि बाकी की बातें बाद में, पहले सेहत ज़रूरी है। सेहत आपकी अमीरी को बढ़ाती है, ये बहुत बड़ी दौलत है और हर समझदार व्यक्ति जानता है कि इसकी कीमत सोने और चांदी के सिक्कों से कहीं ज़्यादा है। और आपकी सबसे अच्छी सेहत तब होती है जब आपका शरीर, मन और आप सही तालमेल में होते हैं, सही अवस्था में होते हैं। और आपकी सेहत आपके हाथ में हम लेकर आते हैं इसीलिए ताकि आपकी सेहत सदा अच्छी बनी रहे। और आज सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हमारे से ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, हर वो विचार कीमती है जो आपकी सेहत को उठाता है, बेहतर बनाता है। तो आइए सुनते हैं, आपकी सेहत आपके हाथ में। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस आपने काफ़ी कॉमनली सुना होगा, स्पेशली जो हम जब ओल्ड हो जाते हैं तो हमारी हड्डियाँ, क्योंकि हमारी जो हड्डियाँ बन रही, बोन्स बन रही हैं, वो रेगुलर बनती रहती हैं और पुरानी बोन्स का रिमूवल होता रहता है। ये एक रेगुलर प्रोसेस है।
ये 20 साल की उम्र से मतलब हमारी मैक्सिमम बोन बनने का प्रोसेस चल रहा होता है, रिमूवल स्लो होता है, 30 पे मैक्सिमम पीक हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे हमारा बोन मास बनना कम हो जाता है और लूज होना लॉस होना ज़्यादा शुरू, इसलिए हमारी हड्डियाँ खोखली जैसे हो जाती हैं आप सिंपल भाषा में कहें तो। और स्पेशली जो हमारी बहनें हैं माताएं हैं वो जब मेनोपॉज हो जाता है तो अधिकतर देखने में आया उनको ज़्यादा मात्रा, क्योंकि उनके जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं फीमेल हार्मोन्स वो कम हो जाते हैं और उनका ऑस्टियोपोरोसिस तेजी से होने लगता है। इसी तरह से जो मेल्स होते हैं वो 60 के बाद उनको चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हमारी बहनों माताओं को तो लगभग भारत एशियन वुमेन और वाइट वुमेन जो हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस होने के, आधी लगभग 50% उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इससे हमारे ऑस्टियोपोरोसिस से हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी जॉइंट खराब हो जाते हैं, बैक हिप जॉइंट्स खराब हो जाते हैं, बैक स्पाइन में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, रिस्ट में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, मामूली गिरने से भी फ्रैक्चर हो सकता है। दोस्तों ध्यान रखें, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डाइट लें, हेल्दी डाइट लें जिसमें ज़्यादा मात्रा में फाइबर हो, जिसमें विटामिन डी हो, रेगुलर थोड़ा सन से अपने आप को एक्सरसाइज जब करते हैं सनराइज के प्रेजेंस में तो आपकी बॉडी अपने आप विटामिन डी को सिंथेसाइज करती है, आपकी बोन स्ट्रांग होती हैं और वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करने से बोन स्ट्रांग होती हैं। और इसमें ये भी देखा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस एक जनरल बीमारी तो हो गई है किंतु इसके लिए अगर हम मेडिटेशन करें तो मैंने देखा है हमको जब उनको शक्तियों का प्रयोग, जो 8 शक्तियाँ हैं राजयोग से पैदा होती हैं तो वो उनका प्रयोग करते हैं तो उनसे बोन स्ट्रांग हो जाती है। विटामिन डी, कैल्शियम, हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज ये सब करने से और प्रॉपर पोस्चर में बैठने से, प्रॉपर पोस्चर रखने से आप ऑस्टियोपोरोसिस से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों अनुभवी से की गई बात से जीवन सहज भी होता है, सफल भी होता है, इसलिए लोग जाकर अनुभवी लोगों से राय लेते हैं और कहते हैं कि अनुभवी व्यक्ति की राय आपको अनेकों ही मुश्किलों से बचा लेती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यदि कोई गलत व्यक्ति, झूठा व्यक्ति सामने से आ रहा हो ना तो 100 कदम पहले ही रास्ता बदल लेना चाहिए, लेकिन यदि कोई अनुभवी और सच्चा व्यक्ति है तो उसे 100 मील जाकर भी मिलना चाहिए। लेकिन इस समय आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक अनुभवी विशेष को आपसे मिलाने के लिए लेकर आ रहे हैं विशिष्ट की बातें विशेष में। आप हैं भ्राता एस नरेंद्र जी, फॉर्मर इंफॉर्मेशन एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आइए उनसे बात करते हैं। आई अटेंडेड टू सेशंस एंड आई वुड लाइक टू कम बैक अगेन एंड इम्बाइब मोर ऑफ दैट। इट इज अ वेरी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर यू to cool down and empty your mind and remove all the storms inside you and be at peace with yourself and with your creator. That is an amazing experience, and very often all of us go through various programs for stress management, etc. Here it is not stress management, it is drying out the stress inside you. Very often we try to label organizations with religious stamps, our own stereotyping. Here what I find is, here is a program that is almost universally appealing. And more and more people should partake of this, get out of stereotyping. For instance, today, yoga until very recently used to be acquire a label in India. Whereas abroad it is extraordinarily popular, and we Indians ourselves were not taking to it in a very big way. Right. And the moment you call it Raja Yoga, the meaning of this is very often not very well understood. And until they come here and experience this, they don't know the power of this Raja Yoga. दोस्तों आज की दुनिया जो है वो न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की दुनिया है। हर एक को अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए न्यूज़ पर नज़र रखनी ही पड़ती है, लेकिन आपको एक बात सदा याद रखनी है, जो न्यूज़ है वो एक सरोवर, एक जल के सरोवर के समान है जिसमें आप
नहाते हैं तो अपनी रंगत, अपना वातावरण, अपनी महक आपके जीवन पर छोड़ती है। इसलिए न्यूज़ सुनते समय बड़ा सतर्क रहना चाहिए, और जब न्यूज़ विश्व कल्याण की हो, सेवा की हो, परमात्म प्रेम की हो, तो वो अमृत के सरोवर के समान होती है। उससे जीवन और आत्मा दोनों ही निखरते हैं। आइए ऐसी ही कुछ न्यूज़ से लाभ लेते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारी चोपड़ा पारा अंबिकापुर में समर कैंप उमंग का शुभ आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन छत्तीसगढ़ शासन के माननीय खाद्य योजना कला एवं संस्कृति विभाग के मंत्री भ्राता अमरजीत भगत जी, नवभारत अंबिकापुर के ब्यूरो चीफ भ्राता सुधीर पांडे जी, नई दुनिया ब्यूरो चीफ भ्राता अनंत पाल, किसान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष भ्राता शैलेश सिंह देव जी, अंबिकापुर SBI प्रबंधक वैद्यनाथ भगत जी एवं सरगुजा संभाग की सेवा केंद्र संचालिका BK विद्या दीदी की उपस्थिति में हुआ। हर व्यक्ति में एवरी स्टूडेंट कोई ना कोई ऐसा गुण रहता है जो उसको स्पेशल बनाता है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की यही अपेक्षा है कि आप लोग अपने आप को जानें, आप अपनी प्रतिभा को निखारें। इस समर कैंप में आदमी बनना सीखिए, संस्कारवान बच्चा बनिए, अपने अगल बगल के लोगों को बैठाइए, सबका सम्मान करिए। आज हम लोगों को ब्रह्मा कुमारी संस्था में पहला दिन का मतलब है कि हम लोग ऐसे बच्चे बन के जाए यहाँ से कि हमारा घर परिवार, हमारे पेरेंट्स सब लोग हमसे खुश रहे। मरने दम तक करेक्टर में सुधार हो सकता है और सुधार होना चाहिए, और अब अच्छे जीवन के लिए करेक्टर का होना जरूरी है। पैसे से आदमी सुखी नहीं हो सकता है। इस समर कैंप का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि बच्चों के अंदर छुपी उन आंतरिक शक्तियों को उजागर करना, उनके नैतिक मूल्यों को जगाना, वो सब हमारे अंदर है। सभी माननीय अतिथियों को बैज एवं मोमेंटो से सम्मानित किया गया और सभी बच्चों को आई कार्ड भी पहनाया गया। दोस्तों, हर दिन जब सुबह होती है, कितने सुंदर फूल खिलते हैं, कितनी सुंदर तितलियां उड़ती हैं, कितने सुंदर उसके रंग, कितने सुंदर उसके पंख। प्रकृति की हर शय जीवन का संचार करते हुए कुछ संदेश देकर जाती है। तो जब भी आप सुंदर तितलियों को उड़ते देखें, उनके पंखों को देखें, यदि आपको भी जीवन में पंख चाहिए, सुंदर रंग चाहिए, तो बहुत सारी कई बार मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। और जब भी मुश्किल वक्त आएगा, आपको पंख देकर जाएगा, सुंदर रंग देकर जाएगा, और इन शुभकामनाओं के साथ सदा खुशियां रहें आपके अंग संग। इजाज़त लेता है आपसे सब रंग। ओम शांति, नमस्कार।